अब देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। ये है बाबू का परवा, मझलहा छोड़ा, मुंशी का परवा छोड़ा, अब यहाँ आए हैं। जो वो देखो, आ आ आ, और देखे कैसा छलांग लगा रहे हैं। आइए, बस इनके यही अड्डे है, चाहे बाबू के परवा चाहे मुंशी के परवा, हिया मिलत। और हुआ बतौरा में आज हमका नहीं दिखाई पड़े, पहले बतौरा हवाई हुआ आए रहे ना प्रधान की, यहाँ आटा लिए बंदर के लिए। तो यहाँ कहाँ है? वह हुआ पीछे, वह हुआ पेड़ पकड़े। अच्छा, हाँ हाँ उधर मंगा लेबे, इधर आ जाए खाली। आ आ आ, आ। उधर अंदर चलो। दिसंबर 2020 बाबू को परवा में आ चुके हैं। इसके पहले कई जगह जाना हुआ, इसके पहले बत्तख को मैंने दिया। और ये अभिषेक जायसवाल जी, देखिए दिल से मानने का मतलब क्या होता है बताओ। हम लोग गाड़ी लेके अंदर धुआं तक जाना हुआ, पहले यहाँ गाड़ी रोक के हम लोग पूछ ले, यहाँ है बंदर, वहाँ आए हैं है? आओ अच्छा लीजिए, दिखाइए ऐसे दिखाइए, देखा काफ़ी दिन के बाद आना हुआ है। हाँ लिए हमको दिखाओ, ढोल देंगे। अभी देखिए जसवाल जी, इसको कहते हैं दिल से चाहना। क्या आपने डॉक्टर किरण मैडम के लिए कहा? कल से हमारा वोट चालू था, बत्तख का हो गया और काफ़ी दूर आए, राम सिंह के गांव से भी आगे आ गए, तो यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ हमारा भी वोट चलेगा। कहीं दिख रहे हैं? हमने देखा था वहाँ से पक्का है? हमने देखा तो था इसी पे है, दिखाई दे रहा। एक देखा तो वहाँ से दिखा था, इस वक्त नहीं दिख रहे हैं। ये छत के ऊपर बहा दी थोड़ा तो आ जाए देख है? हाँ नहीं ये बताओ, यहाँ थोड़ा छत के ऊपर बहा दी तो आके खा ले हैं। देखा उधर आएंगे देख लेंगे, वहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी है ना उधर भी वहाँ हाँ, तो आगे तो छुटपुट थे वही बता दो ना। थोड़ा वहाँ भी डाल देंगे तो आ जाएंगे। आइए रोक दें, नहीं नहीं करने दो। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय। पापा जी वीडियो इज ऑन, चल रहा है, चल रहा है। हाँ हाँ चल रहा है। अरे ये सही घुमा चढ़ा है, यहाँ रहे सही एक रहे। अरे लो यार तुम लो खाओ।
खाओ खाओ देव ये बोहनी करो खाओ बोहनी करो ये सरदारी आई है चल रहा है जी बोलिए सुनो तो नहीं लगा है उसने नहीं चल रहा बिल्कुल सरदार ही आएगी। देखिए अभिषेक जायसवाल जी संजोग कहते हैं आपने फरमाइश किया संजोग बन गया क्योंकि आटा मैं लेने आता हूँ बेतौरा में तो हमने कहा एक पंथ का काज हो जाएगा। अब स्वाम वाला भुवन सिंह को फोन मिलाएंगे लेकिन वो उठाएगा नहीं बंदा भाई रायवड़ी वाला भोज वो उनको कर लेना चाहिए लेकिन फोन नहीं उठाएंगे तो वो जाने उनका काम जाना क्योंकि अब जाते जाते अंधेरा हो जाएगा ना अभी जाएंगे इन लोग खाएंगे अभी एक जने मिले हैं तो हमारे ख्याल से थोड़ा सा आगे भी चला जाए उनको खाने भर के लिए तो भाई है एकदम सरदार है समझ लीजिए ले 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 खा ले ले आ जाके वहाँ घूम रहा ले भाव इनका दे नहीं नहीं बस फेंक दीजिए वो सूंघ के खा लेगा तो फिर आगे आगे चला जाए वहाँ चलिए चलिए उधर हो सकता है और नहीं तो बात शादी की बात है कि ये अकेले का है मिल रहा मुंशी का परवा में जैसा लोगों ने बताया कि नहीं मिले टमाटर सही हो ये ये टमाटर दो ए टमाटर टमाटर न फिर मैंने कब से ले लेते हैं आगे आगे हम उठा लेंगे बाबा ये सब मत उठाइए नहीं नहीं ठीक आइए बढ़ जाओ बढ़ जाओ वो है तो ऊपर ए आवाज नहीं आवाज नहीं जहाँ तुम लोग चल रहा वो नहीं आएंगे थोड़ा दूर से बेटा देखो दूर से हाथ थोड़ा है ना जहाँ चल रही हो आई है ना सब अंदर ही तो बैठे हैं छोटे छोटे मारो है बहुत मारो बदमाशी करी हो तो बस जोर रहो बच्चों वहीं खड़े रहो देखिए अभिषेक जायसवाल जी और तीन चार वहाँ बैठे हैं वहाँ भी अभी जाएंगे जा करके आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे दिखाइएगा तो उधर सूरज में कम दिखेगा लेकिन बैठे हैं तो बस अब यहीं फिर दिखा दिया सब कुछ बिनो खाओ
यहाँ कोई हुआ इशारा, एक ने आवाज दिया सब भागे। ये देखो कुत्ता, अरे जय इनका कोकरे के भगा यार। आप आइए भेजा जहाँ मनाइए दादा के, ऐसे जरा कुत्ते को भगा दे। आप आइए तो भगा दे यहाँ ना आवे कोकरे का। ये कौन खाएगा? ये एकदम बढ़िया एकदम ताज़ा टमाटर है। आप लोगों को टमाटर झोले में ही पड़ा रह जाता, कोई निकालता भी नहीं। चलो इनको ले चलेंगे, ये टमाटर नहीं चाहिए, ये देखो खाता जा रहा है। देख देख ये खाओ खाओ टमाटर, यहाँ रख दे, रुको ना भगाओ। अरे 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 हम लोग समझे तो बाबा डरा थे उनका, झोला मार दिया जो चाहे जो हो देखा जाएगा। रुको रुक जा, देखो खाओ 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 पपीता खाओ, रोटी खाओ, टमाटर खाओ। थोड़ा इसे इसे डाल देंगे तो लोग बाहर खाएंगे बाद में। तो नहीं मिला, देखो उधर दिखाइए ये होता है, देखा अकेले वो मुंह ताक रही है। रुक जाओ रुक जाओ, है दबो मत, उसको देंगे ना भाई, तुमको दे रहे हो उसको जो दे बेचारी को, लो खाओ लो तुम लोग खाओ, देखो ये खाओ तुम लोग, किनारे किनारे खाओ खाओ, ले ले लो खाओ, खाओ भी जाओ खाओ, हटो खा दो, ढूंढ ढूंढ के खा दो, ये ढूंढ के खा दो, जाओ ढूंढ लो ढूंढ लो। हाँ देखो पेड़ पर यहाँ काफी संख्या है, उन्हों से दिखाइए हनुमते राम दुताय नमः। ओ मैं घिंग हनुमते राम दुताय नमः। इससे बड़ी कोई शंकर जी की वो हनुमान जी की साधना हो तो हमें आप बताइए। बड़े बड़े संकट बड़े बड़े कष्टों को ये लोग हर लेते हैं, लेकिन मन लगा के काम करना पड़ेगा तब। एक महामंत्र आज हमें इधर दिखाइए चेहरे की ओर, ये दिख रहा है। मैं लाइव पर बोलूँगा, एक महामंत्र मैं बताऊँगा कि पैसे की कभी कमी नहीं होगी, एक ऐसा मंत्र बताएंगे, लेकिन फ्री में बता देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा और हम पैसा देंगे नहीं, लेकिन दावे से मैं बताऊंगा कि एक ऐसा मंत्र है अगर आपने उसका प्रयोग किया लो तो उस मंत्र से आपको जो है पैसे की कमी नहीं रहेगी। देखो यार हाथ ना पकड़ लिया करो, देखो पापा जी सरदार जी आ गए हैं, वही सरदार थे। हाँ वही यहाँ आ गया है ना, थोड़ा जी रख दें किनारे किनारे तो काम बन जाए। ये बाद में गेहूँ खाएंगे, अभी नहीं बाद में सब खाएंगे।
के बाद में सब खाएंगे आके, भूख लगी थी सब खाएंगे। महाराज बड़े मौके से मिल गए, पहले हम लोग कितने निराश हो गए जब एक शुरू में सरदार मिला, ये हुआ कि आज आता है। अच्छा वहाँ बच्चे थे ना नीचे तमाम, इसलिए नहीं आए, अब छत पर मैंने फेंक दिया, अब वो छत पर खाएंगे सब। खाओ खाओ गेहूँ खाओ भाई, तो तुम लोग गेहूँ खाते तो हो भाई, मैं कहीं नहीं खा रहा। हाँ देखो गेहूँ खाया जा रहा है, दिखाइए यहाँ लोग गेहूँ खा रहे हैं। जमीन सड़ी है, यही अच्छाई है। धीरज जी देखिए गेहूँ खाने लगे। इसमें कुछ नहीं है, देखो कच्चा तलाकी ले रहे। दो भैया एक दिया, रख दिया, दो खाओ, दो खाओ, खाओ खाओ ले जाओ, हाँ दो खाओ। अच्छा अब टमाटर लेके गए, मुँह में लगाया और छोड़ दिया। टमाटर दे दो हमारे काम आएगा, हमको दे दो। ये देखो खाया जा रहा है, जब कहा दे दे तो खाने लगे। क्या देखो जरा काट के फेंक दिया, चलो इनका जूठा प्रसाद मिल जाएगा खाने को। इनसे बड़ी कोई हनुमान जी की पूजा है ना सेवा है ना कोई हनुमान जी का भंडारा है ना, इससे बड़ा इनकी सेवा से बड़ा कोई मंदिर है ना कोई बाबा है। ये सेवा करता रहे जीवन लगा दे, समझिए हनुमान जी का असली भगत वही है। कोई हो आप भी बन सकते हो, भाव होना चाहिए भाव। तो आज किरण डॉक्टर किरण जायसवाल के नाम से बत्तख भोज हुआ, कल भी हुआ, यहाँ भी हुआ। भुवन सिंह फोन उठाएंगे तो मैं कहूँगा कि घर से गेहूँ ले जाके उन लोगों को दे दो। खाओ जगह जगह डाल दिया। रोटी नहीं डाल दिया है कच्चे था, बस रोटी नहीं हुई, रोटी की तलाश था। कहा है कितने बड़े हो गए हैं ये, आइए चले बाबा जी। जय जंगली
अभी उम्मीद लगाए हैं कि साईं बाबा के पास रोटी है। तैयारी रही नहीं। चलो जब भी घर आना हो है क्या ना काटो, अपने बच्चे को काट रही है। आ गया चलो 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 अभी हमको पता निकाला है। जय श्री राम जय श्री राम। अभिषेक जायसवाल जी जितने हमारे शुभचिंतक हैं, और मैं उसके लिए भी बहुत कर रहा हूँ ताकि किसान आंदोलन और इनके मोदी सरकार के बीच में एक बढ़िया रास्ता निकल आवे। इधर दिखाइए लाइट, बढ़िया रास्ता निकले। सभी अपने हैं, यही तो अब दुर्भाग्य हमारे देश का। हम लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, नफरत करते हैं। हम लोग सब एक हैं। तो जैसा सुनाई पड़ रहा है कि मंत्री लोग बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो अब लग रहा है कि गाड़ी पटरी पर आ रही है। भगवान करें एक बढ़िया समझौता हो। वो लोग भी कम से कम, जो लोग इतना बेचारे तकलीफ़ें उठाए हैं, कम से कम तो उन लोगों की भी मेहनत बेकार न जाए। समझौते से बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं। तो उनके नाम से भी मैंने भोज किया है। ये महाशक्ति है। 2014 से मैं लगा हूँ मोदी जी के लिए। तो आज देखिए अब गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है। इतने भाई भोले की कृपा उनके ऊपर तो है ही है, लेकिन हनुमान जी की कृपा कहाँ थी। हैं दोनों एक, लेकिन अलग 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 विभाग है। 2014 से मैं लग गया, अपने आप लगा हूँ। ना हमको किसी ने सिखाया, न किसी ने बताया। बस यही है कि अब सुनाई पड़ता है कि साहब वो भेंट करेंगे या सम्मानित करेंगे। हमने कहा नहीं भैया, हमको सम्मानित न करें, अपने चरण की धूल दे दें या हमको एक बोतल पानी दे दें बस। हम अपने प्रभु का समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। क्यों, बड़ा बड़े रहस्य हैं मोदी योगी के साथ में। और मजे की बात देखिए, प्रचार करने का अंजाम ये हुआ कि अब मध्य प्रदेश वाले भी मैदान में आ गए। भाई उन्होंने कहा मोदी योगी मोदी योगी मोदी योगी, वो काहे पीछे रहे, शिवराज सिंह काहे पीछे रहे, वो भी मैदान में आ गए। अब तो वो युग है जब आप काम करोगे देश की, राष्ट्र को मजबूती के लिए काम करोगे। ये विकास उकास ये सब चूल्हे भाड़ में जाए, पहले राष्ट्र तो अपना घर तो बचाओ, पहले तुम्हारा घर तो सुरक्षित होए, है बाद में पूरी और पराठा खाना बैठ के, पहले घर तो बचाओ। तो घर बचाने का काम मोदी सरकार में हुआ है, और आज तक बड़े बड़े नेता है नहीं कर पाए मोदी जी के द्वारा। इसलिए हो रहा है कि उनके ऊपर भोले की विशेष कृपा है, और ये गुफा की तपस्या रंग ला रही है। मोदी जी गुफा से जुड़े रहे ना, उनकी तपस्या रंग ला रही है। तो यही है, अब आना जाना थोड़ा सा साधन हो जाए तो हम लोग एक हफ्ते में, महीने में चार चक्कर भौंडे शुरू हो तो चार चक्कर इधर भी आ जाइए। जब भी मौका हो निकालिए, बड़े काम बनेंगे इससे। ये नहीं कि हम, आप बड़े बड़े काम बताओ, हनुमान जी हमारे बड़े बड़े काम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अब लोगों का कहना है कि नहीं मोदी जी आपको सम्मानित करेंगे, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। एक बेनीवाल ने कहा कि पानी तो हम लेके रहेंगे। हमको हंसी भी आ गई, और बात सही। हमने कहा चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े तो वहाँ रुकना थोड़े, एक एक घंटे में कहो काम हो जाए। एक ज़रूरी चीज़ है देशवासियों पहचानो, जो आज तक कोई नहीं कर सका। वहाँ दिखाइए कितना मनोरम दृश्य है। ये सब एक साइज वाले एक साथ बैठे हैं, देखा, यही हनुमान जी के दर्शन है। इनको खिला दो, इनके दर्शन कर दो, और इनका इधर नीचे दिखाइए, इनका इधर नीचे दिखाइए, नीचे पूँछ हम छूएंगे। ये इनका पूँछ छू दे, लेकिन ये सरदार जी आ गए। लो भैया देव तलाशी ले लो, अब जा रहे थे हम पूछ रहे, हाँ ले लो तलाशी ले लो। देखो कैसा तलाशी ले रहे हैं, अब ख़त्म है मामला, ख़त्म है बस। चलो ले लो, टमाटर ही ले लो, खा लो। ये देखो कहाँ कहाँ कहाँ
बड़े हो गए हैं तो देखो उधर दिखाइए माँ के गोद में कैसा बैठते बड़े हो गए हैं। इतना ममत इन लोगों को होता है देखा। तो अब कोई चीज कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अब यह सरदार जी हमारा झोला पहले छोड़ो झोला खाली करो। इनका पूंछ छू लिया समझिए 100 बार यज्ञ हो गया। हम छू लेते लेकिन बगल में बैठे हुए हैं। आप चले जाइए चले जाइए बढ़िया है। मैंने छू लिया आराम से कोई दिक्कत नहीं इनको। वो देख रहे हैं ना सरदार मैं कहां जा रहा हूं। मैं इधर खड़ा हो जाता हूं ये हमको देखने लगेंगे। बस खत्म है भैया सरदार जी अब जाने दो बस चलो जाने दो। टमाटर ये उठा ले प्रसाद के रूप में कि छोड़ दें। नहीं नहीं टमाटर देंगे उसको भी दे दो चलो उठा दो। हमें डाल दो बस प्रसाद हो गया इनका असली प्रसाद भूलेगा नहीं सब कुछ बनवा के आज खाना है। ये प्रसाद बड़े दुर्लभ है ये समझिए। दिखा दीजिए ठीक। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आइए चलते हैं देखिए अभिषेक जायसवाल जी जिस तरह आप हमको सच्ची लगन से दिल से मानते हैं तो आपके लिए वो काम हो रहा है कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। समझ गए सोचा भी नहीं होगा यहाँ कहाँ रायबली कहाँ बेतौरा कहाँ मझलहा फिर मुंशी का पुरवा बाबू और वो क्या नाम वो एक पुरवा है वो बनपुरवा फिर ये बाबू का पुरवा। अब यहीं टेकारी पासे में तो है दे दे दे। एक किलोमीटर है टेकारी लेकिन अब रास्ता बढ़िया होता इधर से निकल चलते हैं लेकिन वो खड़बड़ खड़बड़ घमका मारो गोली उधर से चला जाए। तो जय श्री राम देखे चल रहा है देखें हाँ चल रहा है ठीक है। जय श्री राम डॉक्टर किरण जायसवाल जी के नाम से इतना बढ़िया भोज हुआ इन लोगों को आशीर्वाद लगेगा आपको। अब यहाँ तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ क्यों यहाँ बिस्कुट मिल जाएगा। अरे एक काम कीजिए सुनिए अरे हम बताए ना दुकान ना सुकान जौन बच्चे हैं इनका इनका दे दी जाए 10 रुपया है तुम्हें लगे छुट्टा 10-20 सब हैं। हाँ दे दो तो ये लोग जो ए सुनो जो कैसे बांटेगा जो हाँ ये तुमको हम दे रहे हैं भैया बच्चों में दे देना 2-4-10 बच्चे जो हैं उनको दे देना। हाँ बच्चे का दे दिया। हाँ 10 रुपये में 5 तो मिलेगा ना। हाँ तो आप दे दीजिए 20-25 दे दीजिए 30 जय हो 30 है 30 दे दो लीजिए। पहले छोटे बच्चे से शुरू कीजिएगा 30 रुपये। हाँ 10 का सिक्का दे दो ले चलेगा सब चलेगा। हाँ ये 10 का हुआ और बाकी 20 का लाओ 20 का ये है। हाँ और 40 40 होगा। हाँ लाओ दे दो लीजिए जायसवाल जी दो भैया ये 40 रुपया पकड़ो लीजिए आप आगे आइए नौजवान आदमी हो। ये 40 रुपये है इनमें 2-2 रुपये वाला पार्ले जी मंगा के बच्चों को छोटे बच्चों से शुरू कीजिएगा जब बच्चे तो फिर बड़ों को दे दीजिएगा ठीक। तुम लाओ जा हाँ हाँ वो ले आएंगे ठीक है। आप लोग बांट लीजिएगा चले हम लोग हैं ठीक। हाँ चलिए आपने अच्छा याद दिला दिया हमने कहा किरण जायसवाल के नाम से ये भी हो जाए बाल भोज भी हो गया इनका जो बच्चों का और जो इनका बंदरों का आशीर्वाद मिलता है ना इससे बड़ा कोई आशीर्वाद देने वाला दुनिया में पैदा हुआ हो तो हमारे सामने आ गए। अरे ये भगवान का रूप है ये सब असली असली मने यही आए हमारे तुम्हारे अंदर सब खुराफात आए जात है हम फला हैं तुम फलाने हो है न ये मुकदमा लड़त है न ये लाठी चलावत न ये दारू पियत न ये कत्ल करत है तो असली मने तो यही आए है? और जो खुराफाती हैं बनिए नंबरदार बाबा बनिए कौन बाबा यह बाबा के कर्म आए है ना बाबा हो तो यह कर्म करो गांव गांव जाओ खवाओ कहाँ रायबली कहाँ यहाँ सोचो। अरे हम आपका यहाँ हम यहूँ कह देखी थे फुर्सतगंज आपका हम बहुत दिन से देखे कहाँ है रायबरेली है दुर्गा मार्केट दुर्गा मार्केट पवन नमकीन के सामने डिग्री कॉलेज चौराहे के बगले में है। अरे हम जानी थे अच्छा अच्छा कब दूर दूर तक हमका देखा था। अरे हम साहब बहुत दिन से देखे आज से नहीं बहुत दिन से। अच्छा अच्छा ठीक आओ बच्चों चले जाओ सब कुछ बिस्कुट ले लो जाके अच्छा हाँ आ जाओ।
ठीक है बैठे हैं, जाओ बच्चा जहाँ जिनका पैसा दिया हुआ इकट्ठा हो जाओ और सब कोई ले लो। जय श्री राम जय श्री राम। खत्म है ख़त्म है, अभी आ रही बेचारी कुछ उम्मीद लगा के, अब आवे तो और कस के रोटी पहले तैयार, अचानक तो तैयारी बन जाती है क्योंकि गाड़ी चलाने वाला कोई है नहीं, तब आपसे परमिशन मिला के नहीं साहब हम चलेंगे नहीं हमको पक्का होता हाँ 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 लगा जब भी छुट्टी मिले तो सुबह का टाइम है ना। हाँ यही बनपुरवा हमारे गांव हमें ज्यादा टिकट हमें गांव हाँ यहाँ रह जाते ज्यादा हमें गांव के अंदर। अच्छा अच्छा जानवर ही परे रहे भाई। अरे हनुमान जी के अंशज वंशज यही है, ये बैराग मनई का सिखावट, बंदर से बड़ा बैरागी कोई है ही नहीं, इनका जौन देहो सब खूबसूरत से बढ़िया चीज नोच नाच के रख दे है, ये कहा था कि बैरागी बनो। अम्मा देखो बना रही क्या बात है, अम्मा ये हम आपकी फोटो बनाएंगे बहुत बढ़िया बना लिया।